नमस्कार, स्वागत है आप सबका एबीसी ऑफ इंडिया में, जहां हम बात करते हैं इंडियन आर्ट, ब्यूटी एंड क्राफ्ट की। आज एबीसी के सफ़र में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की खूबसूरत ट्राइबल आर्ट्स की। तो चलिए जानें इनके बारे में। मधुबनी आर्ट। मधुबनी आर्ट बिहार की एक ट्राइबल आर्ट है, जिसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। मिथिला आर्ट या मधुबनी आर्ट बहुत ही सुंदर और कलरफुल आर्ट है। इसमें आपको रिलीजियस पिक्चर्स के साथ साथ नेचर के पिक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। वर्ली आर्ट। वर्ली आर्ट महाराष्ट्र की एक ट्राइबल आर्ट फॉर्म है, जो वर्ली जनजाति द्वारा बनाई जाती है। इस आर्ट में ज्योमेट्रिकल शेप्स जैसे कि सर्कल, ट्राइंगल, लाइन, स्क्वायर, डॉट, इन शेप्स को इस्तेमाल किया जाता है। इन शेप्स को यूज़ करके इसमें पिक्चर्स बनाए जाते हैं। ये पिक्चर्स बहुत ही ब्यूटीफुल और सिंपल होते हैं। वर्ली आर्ट फॉर्म बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म है, जिसमें आपको डेली रूटीन से रिलेटेड पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। ये मेनली दो कलर से बनाई जाती हैं, जैसे कि रेड कलर के बेस के ऊपर वाइट कलर से इसमें चित्र बनाए जाते हैं। वर्ली आर्ट एक बेहद खूबसूरत आर्ट फॉर्म है। अगर आप वर्ली आर्ट के बारे में और भी जानकारी पाना चाहते हैं, तो हमने इससे रिलेटेड वीडियो पहले भी बनाया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। सौरा आर्ट। सौरा आर्ट उड़ीसा की एक ट्राइबल आर्ट है, जो उड़ीसा की सौरा ट्राइब द्वारा बनाई जाती है। ये पेंटिंग्स वर्ली पेंटिंग्स के काफ़ी सिमिलर होती हैं। इस पेंटिंग में आपको एवरीडे से जुड़ी पिक्चर्स जैसे कि गांव, खेती, किसान, फसल, पशु पक्षी, इन सब के पिक्चर्स देखने को मिलते हैं। ये बेहद सिंपल और ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म है। वर्ली और सौरा में डिफरेंस इनकी ज्योमेट्रिकल शेप्स का होता है। भील आर्ट। भील आर्ट भील ट्राइब द्वारा बनाई जाती है। भील ट्राइब इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है। यहाँ पेंटिंग मेनली MP, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में रहने वाली भील ट्राइब द्वारा बनाई जाती है। भील आर्ट में डॉट और वाइब्रेंट कलर का यूज़ होता है। इसमें नेचर से जुड़े पिक्चर्स जैसे कि सन, मून, पशु पक्षी, गॉड एक्सेट्रा बनाए जाते हैं, और इसमें हर्बल कलर का यूज़ किया जाता है। गोंड आर्ट। गोंड आर्ट मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति द्वारा बनाई जाती है। गोंड जनजाति अपनी खूबसूरत चित्रकला के लिए जानी जाती है। इस जनजाति की धारणा है कि एक सुंदर तस्वीर अच्छे सौभाग्य को जन्म देती है। गोंड आर्ट फ्री हैंड बनाई जाती है और ये बहुत ही आकर्षक और मनमोहक होती है। जितनी टैलेंटेड और आर्टिस्टिक है इंडियन ट्राइब्स, उतनी ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग है उनके द्वारा बनाई गई ये आर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।